हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में स्पोर्ट कोटे से वैकेंसी आई हुई है। अगर नहीं पता चला है तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जो यूजी बीपीएड कर रहे हैं, बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इतनी वैकेंसी हमारे यूपी पुलिस में जो है देखने को मिली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोटिस आपका रिलीज़ हो गया 14, और कब इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म होंगे, क्या क्या इसका प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बात करूँ सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 14 से स्टार्ट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपकी 1 जनवरी, और उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहेगा और फीस क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की फीस है 400 रुपीज़, और SC ST की बात करूँ 400 रुपीज़, और ऑल कैटेगरी फीमेल्स 400 रुपीज़, 400 रुपये आपको देने होंगे। एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आपका ट्रायल होगा, और स्पोर्ट्स के मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे यहाँ पर जो लिख रखा है। तो इसको देख कर कभी परेशान नहीं होना कि यार हमारा भी एग्ज़ाम हो। स्पोर्ट्स वाले जो भी हैं एग्ज़ाम को देख के कान खड़े हो जाते हैं, तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि एज क्राइटेरिया क्या है। एज जो है हमारी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 22 ईयर के बीच होनी चाहिए। और इसके जब नोटिफिकेशन में जाएंगे आप, जब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन भी होता है, तो वो भी आप जब फॉर्म फिल करेंगे तब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन से गेम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो मैं बात करूँ, ये है हमारा नोटिफिकेशन तो यूपी पुलिस का स्पोर्ट कोटे का। तो बहुत बड़ी और हम बोल सकते हैं खुशी की बात है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए इतनी सारी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से गेम इंक्लूड है। जैसे मैं बात करूँ वाटर स्पोर्ट्स, जिसमें आपको टोटल 42 वैकेंसी देखने को मिली है, और वॉलीबॉल में जो 18 है, अच्छी खासी है यूपी के अंदर देखा जाए, आज से पहले इतनी सारी वैकेंसियाँ नहीं आई हुई हैं। बास्केटबॉल में भी 17 है, और उसके बाद कबड्डी में भी आपकी 12 है, और गर्ल्स में आप देख सकते हैं साइड में 8, 9, 6, और उसके बाद है हमारा फुटबॉल गेम जिसमें टोटल 19 है और 22 गर्ल्स में आप देख सकते हैं ज़्यादा है। टेबल टेनिस है 9 है, बैडमिंटन है 10 है, क्रॉस कंट्री 12, हॉकी गेम जो है 20 और 17 गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। तो अच्छी खासी हमारी जो है सीटें स्पोर्ट कोटे के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यूपी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे कोचेज हैं, वो डिप्लोमा करके प्राइवेट सेक्टर में ही अपना जो है जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो सबकी पॉलिसी अपनी अलग है। नेक्स्ट आर्चरी, तीरंदाजी, जिमनास्टिक जो कि अपना गेम है, तो इसमें हमारी 14 वैकेंसी देखने को मिली है और 10 जो है गर्ल्स के लिए। वेट लिफ्टिंग 7 और 14, और ये गर्ल्स के लिए 7। वुशू गेम है, वुशू जिसको हम बोलते हैं, तो बॉयज टोटल वैकेंसी और 6 गर्ल्स के लिए। जूडो है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, ये सारे वैकेंसी हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। जैसे कि कराटे है, कुश्ती है, साइकिलिंग है, शूटिंग है, ताइक्वांडो, तैराकी है, ये सारे गेम हैं। जितने भी हमारे मेजर स्पोर्ट्स हैं सारी वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो मैं समझता हूँ इस साल में हमारे अच्छे खासे खिलाड़ी जो है स्पोर्ट कोटे से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मैक्सिमम खिलाड़ियों को नहीं पता है। तो मैंने आपको बताई डेट कब से स्टार्ट हुई है, कब लास्ट डेट है, ये आपको पता चल गया होगा, पेमेंट करना है कब। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन में बात करूँ कि फ़ोटोज़ कैसे लगेंगी, और मैं बात करूँ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का किस तरीके से क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं, कौन कौन से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप सोचें मेरे पास डिस्ट्रिक्ट है, मंडल है और स्पोर्ट ट्रायल, नहीं, आपका फॉर्म जो है खारिज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कोई मतलब नहीं फॉर्म फिल करने का। एक अच्छा सा अचीवमेंट होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मैं बात करूँ ओलंपिक गेम्स खेल रखा है, पार्टिसिपेट किया, विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, यूथ एशियन चैंपियनशिप, जूनियर, सीनियर, अंडर 21, कॉमनवेल्थ गेम्स, युवा यूथ वाले, दक्षिणी एशियाई विश्व खेल चैंपियनशिप, और उसके बाद ओलंपिक संघ, जो भी हैं हमारे जितने भी मेजर कंपटीशन जो होते हैं, अगर आपके पास मेडल है, पार्टिसिपेशन है, तो आप ज़रूर इसका फॉर्म फिल करेंगे और आपका ज़रूर आपका एडमिट कार्ड आएगा ट्रायल के लिए।
फिर उसके बाद नेशनल गेम्स हैं, नेशनल चैंपियनशिप है, फेडरेशन कप है, अखिल भारतीय अंतर्राज्य चैंपियनशिप है, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट है, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 है, ठीक है ना, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल 19 है, अखिल भारतीय पुलिस खेल में अगर पार्टिसिपेट कर रखा है तो ये हमारे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं जो हमें गेम ट्रायल में मदद करेंगे। जितना अच्छा खासा आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, अचीवमेंट होगा, उतना ही आपको हेल्प करने वाला, क्योंकि 20 उसमें रेशियो है स्पोर्ट ट्रायल का और सर्टिफिकेट का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वही है आपके सबसे काम की चीज़। बाकी सारी चीज़ें आप जो सरकारी रिजल्ट में जाएंगे, नोटिफिकेशन में डाउनलोड करेंगे, आराम से उसको पढ़ेंगे, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। फॉर्म गलत होने की वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ पाता, क्योंकि मैंने पिछली बार, इससे पहले भी दो बार स्पोर्ट कोटे से वैकेंसी हो चुकी है जिनके फॉर्म गलत, पहले ऑफलाइन प्रोसेस था, ऑनलाइन नहीं था, इससे पहले की मैं बात करूँ, थोड़ा सा ही फॉर्म गलत हो जाता वो कैंसिल कर देते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और वेटेज जो है हमारे, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है हमारा वेटेज स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, खेल कौशल प्रशिक्षण मतलब इसको हम बोलते हैं स्किल जो टेस्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट गेम का, उसके 80 मार्क्स हैं, 80 नंबर मिलेंगे आपको। और उसके बाद खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन, मींस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 100 नंबर में से आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। जितना हायर अचीवमेंट होगा आपके पास, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट को आप मेंशन करेंगे, वहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ आपके जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, और भी जितने भी EWS सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑनलाइन जाना है आपको, ये आपकी वेबसाइट है, तो सरकारी हेल्प पे जाएंगे इसी तरीके से, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये है हमारा मेन जो है सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है। जब भी आप फ़ोटो की बात करेंगे तो फोटो आपके पास 6 मंथ के भीतर खिंचा हुआ होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं सफ़ेद हल्के गे रंग की सादी पृष्ठभूमि उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। टुड्डी आपकी चिन शिखर तक साफ एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। मुंह बंद आंखें खुली होनी चाहिए, एकदम ऐसे नहीं, एकदम स्मार्ट होना चाहिए एकदम। चेहरे जो हैं आपका दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हुए, कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। फ़ोटो टोपी मफलर या कैफ वैफ खोपड़ी गंजी चिकनी ऐसा फ़ोटो नहीं लेना है आपको। आपको मैं बता दूँ ये गिनी चुनी वैकेंसी आती इतने लंबे समय के बाद, और आप उसमें एरर कर दें तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप जो है उल्टा सीधा बोलोगे मेरा नहीं आया, मैं तो इतना अच्छा खासा खेलता था, ये था वो था। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो BPED वाले स्टूडेंट्स हैं, BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपकी एज इस जो मैंने जो आपको एज क्राइटेरिया बताया उसके अंडर है। तो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतनी अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं जल्दी आपको फॉर्म फिल को लेकर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।